हरियाणा में हुई हिंसा के विरोध में हापुड़ के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हापुड़ शहर के अंदर अतरपुरा चौराहे पर जिहादियों का पुतला बनाकर फूंका है। साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की है। आपको बता दें, हरियाणा के नुहू में हुई हिंसा में अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी क्रम में हापुड़ के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर जिहादियों का पुतला दहन किया है। वही जिस समय पुतला दहन किया गया, पुलिस बल भी भारी संख्या में मौके पर मौजूद रहा। हापुड़ से संवाददाता दीपक कश्यप की खास रिपोर्ट। अगर आप ये पूछ रहे हैं क्या विषय है, तो बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि जो इस लोकतंत्र की एक मजबूत आंख है वो आप हैं। मेवात में जो किया गया हिंदुओं के साथ, हिंदू की यात्राओं के साथ, उसके विरोध में आज हमने पुतला दहन कराया। हमने उस मानसिकता के खिलाफ पुतला दहन कराया जो इस्लामिक जिहादी आतंकवादी बनते जा रहे हैं, जो इस्लाम के लिए कुछ भी संविधान को ऊपर रखकर कुछ भी यहाँ करने को तैयार है, संविधान को ताक पर रख देते हैं। सिर्फ हिंदुओं की ही धार्मिक यात्राओं पर पथराव गोलाबारी क्यों? सिर्फ हिंदुओं के धार्मिक आयोजन पर ही गाड़ियों का जलाब क्यों? अभी मुहर्रम गई, क्या आपने सुना किसी ताजिए पे पथराव हुआ, गोलीबारी चली? नहीं ना। तो धार्मिक आयोजन हिंदू का होता है तो उस पर ये सब क्यों? उसके साथ विपक्ष ये मांग करता है कि धार्मिक आयोजन बंद होने चाहिए। क्यों होने चाहिए बंद? क्या हम अपनी मान्यताएं, अपने धार्मिक संवादों को छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि हम पे पथराव होगा? तो ये हमारे लिए डूब मरने वाला विषय है कि स्वतंत्र भारत के हिंदुस्तान देश में अगर आज हिंदू, बहुसंख्यक हिंदू अपनी इच्छा से अपने आयोजन नहीं कर सकता, तो ये सरकार को सोचने का विषय है कि हम लोग कहाँ जाके करें, सरकार तय कर दे। लेकिन बजरंग